नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है और घड़ी की सुई फिर उसी जगह पर आ जाती है जहां वो कभी थी। कांग्रेस में भी वक्त वही है जब घड़ी की सुई फिर एक बार वहां आ गई है जहां गांधी परिवार के लिए मुश्किल वक्त है। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि कांग्रेस में वक्त वक्त पर बगावत होती रही है और इसकी वजह रहा है गांधी परिवार। कांग्रेस को अपनी मिल्कियत समझने वाले इस परिवार की वजह से पार्टी कई बार टूटी और पार्टी के क्षत्रप पार्टी छोड़कर चले गए और अपनी नई पार्टी बनाकर उस सूबे से कांग्रेस को हाशिए पर ढकेल दिया। शरद पवार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, अजीत जोगी, पीए संगमा, सूची लंबी है। हालांकि जोगी और संगमा वो कमाल नहीं कर पाए जो बाकी तीन क्षत्रपों ने करके दिखाया, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर उसी मुहाने पर खड़ी है। पार्टी के कई नेता पहले ही दल छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अब जो बचे हैं वे गांधी परिवार से खुलकर टक्कर ले रहे हैं और उसे चुनौती दे रहे हैं। जैसे सन 2000 में सोनिया गांधी को राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद और माधवराव सिंधिया ने दी थी। अब वक्त फिर वैसा ही है और इस बार चुनौती राहुल को मिल रही है इन्हीं नेताओं के पुत्रों से। साथ ही बाकी कांग्रेसी भी गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर उतर कर आए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके संजय झा ने जब राजस्थान के सियासी संकट पर हल सुझाया तो आलाकमान ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया। हालांकि संजय झा ने महाराष्ट्र कांग्रेस के इस फैसले पर नाराजगी जताई है और एक ट्वीट करके सीधे गांधी परिवार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने लिखा, मेरी निष्ठा कांग्रेस की विचारधारा के प्रति है, मेरी निष्ठा किसी व्यक्ति या परिवार से नहीं है। मैं कांग्रेस में गांधी नेहरूवादी आदर्शवादी बना हुआ हूं जो कांग्रेस के भीतर लुप्त होती नस्ल है। मैं उन मुद्दों को उठाता रहूंगा जो मेरी पार्टी के पुनरुत्थान के लिए मूलभूत है। लड़ाई अभी शुरू हुई है। जाहिर है संजय झा ने सीधे गांधी परिवार को एक तरह से चुनौती दी है कि ये पार्टी आपकी जागीर नहीं है और वे इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। ऐसे ही सचिन पायलट ने भी ये कहकर सबको चौंका दिया है कि वे कांग्रेस में ही हैं, जबकि कांग्रेस के कई नेता उन्हें लगातार उकसा रहे हैं कि वे पार्टी छोड़ दें, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करें। लेकिन सचिन ने कहा है कि वे कांग्रेस में हैं और वे किसी दल में नहीं जाने वाले हैं। तो क्या पार्टी के ये नेता जो गांधी परिवार की मनमानी से परेशान हो चुके हैं वे कांग्रेस में रहकर गांधी परिवार को चुनौती देंगे जैसे राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद ने दी थी? और क्या वे राहुल के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पार्टी के युवा नेता अब एकजुट और लामबंद होते दिख रहे हैं ताकि इस पार्टी को परिवार के चंगुल से निकालकर देश की सियासी पार्टी बनाई जाए। प्रिया दत्त, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, दीपेंद्र हुड्डा, जितिन प्रसाद जैसे कई नेता सचिन पायलट के समर्थन में बोल चुके हैं और गांधी परिवार को यह सलाह दे चुके हैं कि जो हो रहा है वो बेहद दुखद है, इसे सुलझाया जाना चाहिए। इस मसले पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस में युवा लामबंद होकर गांधी परिवार के खिलाफ बिगुल फूंक सकते हैं और क्या उन्हें बिगुल फूंकना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।